बीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व। दिस इस कर्व का इवोल्यूट फाइंड करना है। चलिए, गिवन है हमारे पास एक कर्व, गिवन एक कर्व एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। फ्रेंड इस पैरामीटर की इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहां से पैरामीटर की इक्वेशन जो निकल कर आती है फ्रेंड्स इसकी, वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 3θ कॉमा वाई इज इक्वल टू ए साइन 3θ। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। जनरली क्या होता है पैरामीटर इक्वेशन निकालने के लिए इस नंबर को इसके अपॉन में ले जाते हैं। इस तरीके से हम पैरामीटर इक्वेशन निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि एक्स के अपॉन में जब ये नंबर जाएगा, सेम पावर दोनों की है ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। और जो वाई है उसके अपॉन में जब ये जाएगा, यानी कि वाई अपॉन ए हो जाएगा, तो 2/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 की जगह हम लोग यूज़ कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं दिस रिजल्ट, यानी कि एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू, जो कंपेयरिंग में चला जाता है, ये एक्स अपॉन 2/3 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जब हम इसको इधर भेजेंगे, यानी कि पावर्स को जब हम इधर भेजते हैं, तो पावर आपकी रेसिप्रोकल हो जाती है, चेंज हो जाएगी, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स अपॉन ए बचेगा कॉस की पावर 3θ, यानी कि एक्स इज इक्वल टू बचेगा ए कॉस की 3θ। फ्रेंड्स इस तरीके से पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स निकल कर जाती है। ऐसे ही इस रिजल्ट को हम साइन के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से साइन निकल कर जाएगा। इस तरीके से पैरामेट्रिक इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है। हम यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम यहाँ निकालते हैं इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। आप जनरली जानते भी हैं कि डी वाई अपॉन डी थीटा कर देंगे, अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा कर देंगे। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, जब हम इसका डिफरेंस करेंगे वाई का साइन, तो 3 a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बन जाएगा। नीचे का करेंगे तो a माइनस के पावर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, और कॉस का करेंगे तो माइनस के साइन थीटा, यानी कि इसका मैंने ऊपर नीचे डिफरेंशियल कर दिया फ्रेंड्स। अब जनरली कुछ कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मेरे पास सिर्फ पावर थी, एक साइन बचा, नीचे एक कॉस बच गया है, एक माइनस साइन, यानी कि माइनस के साइन अपॉन कॉस मेरे पास बच चुका है फ्रेंड्स। ये रिजल्ट कितना होता है, ये होता है मेरे पास माइनस के 10θ, यानी कि मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस के 10θ फ्रेंड्स आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगेन करेंगे इसका एक बार डिफरेंशियल और करते हैं। तो एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो डी यू अपॉन डी थीटा, यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, बहुत सारे अप्लाई करेंगे तो दिस रिजल्ट हो जाएगा। इसको कैसे अप्लाई करते हैं आप सब जानते हैं, डी अपॉन डी थीटा दिस, और थीटा अपने साथ आता है तो थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव जो मुझे मिलने वाला है, यहाँ पर टेन का होता है साइक स्क्वायर, सब जानते हैं, माइनस के साइक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एक्स आ गया है, तो ये रिजल्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ से, जब मैं इसका एक्स के साथ डिफरेंशिएट करूँगा। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएट करा, और वो रिजल्ट मेरा रेसिप्रोकल रखना है, मेरे को उल्टा करके रखना है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे जो फाइंड करना होगा वो इसका डिफरेंशियल फाइंड करना होगा। मैं यहाँ रफ में फाइंड करके दिखाता हूँ आपको, डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा। ये फैसे फ्रेंड्स हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पर रखा था, देखो ये रिजल्ट्स हैं, तो इसी रिजल्ट्स को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 3a था हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा था और साइन थीटा था, इसको चेंज कर देंगे फ्रेंड्स। अब माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, मेरे पास 1/3a आ जाएगा। ये मेरा जो कॉस है ऊपर जाने के बाद कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर मेरे पास प्रेजेंट पहले से ही है, तो सेक की पावर मेरे पास 4θ हो जाएगी, और ये ऊपर जाकर कोसेक बन जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव फ्रेंड्स मैंने यहाँ फाइंड कर लिया है, इस तरीके से मेरा सेकेंड डेरिवेटिव मुझे मिल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमने कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फा बीटा को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कर लेंगे इफ़ अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है मेरा एट पॉइंट, अच्छा एनी पॉइंट कर लेते हैं, एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट पर, देन तो मेरे को अल्फा में फाइंड करना है, ये अल्फा फाइंड करूँगा, बीटा फाइंड करूँगा। अल्फा इजिकल टू मेरा होता है एक्स माइनस इजिकल टू वाई डैश ब्रैकेट 1 प्लस वाई 1 का स्क्वायर होता है, और वाई 2 होता है,
वाई टू का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, वाई वन का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। जो मैंने दोनों यहाँ फाइंड कर लिए, मैं यहाँ इनकी वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू को मैंने देखा है ए कॉस की क्यू थीटा लिख सकते हैं, तो एक्स को ए कॉस की क्यू थीटा हो जाएगा माइनस वाई वन। वाई वन फ्रेंड्स मेरे पास आ चुका है, ये मेरा वाई वन कहलाता है, ये जो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा वाई वन है, यानी कि यहाँ मैं माइनस के टेन थीटा लिख सकता हूँ। ब्रैकेट टेन थीटा का स्क्वायर करूँगा फ्रेंड्स मैं यहाँ। फिर सेकंड टू, सेकंड वाला मेरा ये रहा, इसका रिजल्ट लिखना मेरे को। वाई टू का मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है मेरे को, यहाँ पुट करना है, ये थ्री ए हो जाएगा और sec की पावर फोर थीटा और cos sec थीटा मुझे मिल जाएगा। फ्रेंड ये रिजल्ट चला जाएगा मेरा ऊपर। साइन को हम सारे रिजल्ट्स कर लेते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए cos की पावर थ्री थीटा माइनस के ब्रैकेट्स माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस, थ्री चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा मतलब sec स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर sec स्क्वायर लिख देंगे, नीचे भी sec की पावर फोर थीटा है और ये cosec थीटा को मैं ऐसे नोट कर देता हूँ। इसकी दो पावर से कैंसिल हो जाएंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर साइन अपन cos की फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद सारा रिजल्ट हम साइन cos में निकालना चाह रहे हैं। तो प्लस थ्री ए, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा ये, और ये ऊपर चले जाएंगे, ये sec स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो sec स्क्वायर है तो ऊपर जाकर बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, साइन हो जाएगा sec था साइन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से इस cos से cos कैंसिल हो जाएगा और फाइनल हमारा आंसर जो अल्फ़ा निकल कर आने वाला है फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू जो हमें मिलने वाली है वो मिलेगी a cos की थ्री थीटा प्लस थ्री ए साइन स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर और कॉस थीटा। इस तरीके से मैंने अल्फा को फाइंड कर लिया, ऐसे ही फ्रेंड्स मुझे बीटा फाइंड करना है। फ्रेंड्स अब यहाँ बीटा फाइंड करने जा रहे हैं, तो बीटा इज इक्वल टू होता है वाई प्लस वन प्लस वाई वन डैश का स्क्वायर अपॉन वाई टू। फ्रेंड जिस तरीके से वाई की वैल्यू हमने निकाली थी, तो वाई बराबर था ए साइन की पावर क्यू थीटा प्लस इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वाई टू यानी सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया था वो थ्री आया था, और sec की पावर फोर थीटा और cosec थीटा हमारा आ गया था फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ से a हो जाएगा sin की पावर थ्री थीटा हो जाएगा प्लस वन बाई टेन स्क्वायर को आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपके पास ये थ्री था ऊपर चला जाएगा और ये sec की पावर यहाँ फोर थीटा हो जाएगी, ये cosec थीटा आपका ये रहा। यहाँ से फ्रेंड टू पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो ए साइन की पावर थ्री थीटा प्लस थ्री ए साइन स्क्वायर मेरा ऊपर जाएगा, तो मेरा हो जाएगा ऊपर जाने के बाद ये यहाँ मेरे पास बचा क्या, वैसे तो ऊपर कैंसिल आउट हो गया मेरे रिजल्ट्स ये, तो मुझे मिलने वाला है ये ऊपर जाएगा साइन मिलेगा, ये ऊपर जाएगा कॉस मिलेगा, यानी कि मेरे को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा तो साइन थीटा, मुझे फ्रेंड्स इतना मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने अपना बीटा भी फाइंड कर लिया है, ये अल्फा बीटा मेरे को मिल गए हैं। हम अल्फा प्लस बीटा निकाले थे, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, उसको देखना चाहते हैं, तो ए कॉस की पावर थ्री थीटा प्लस में थ्री ए, ये कॉस, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया था, ये रहा हमारा अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए क्यू 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 प्लस थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस बीटा हमारे पास ये रहा फ्रेंड्स, हम बीटा को फाइंड कर लेते हैं। तो बीटा जो हमारे पास निकल के आने वाला है, उसकी वैल्यू थी ये ए साइन की पावर थ्री थीटा प्लस का थ्री ए और था ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। फ्रेंड इसके बाद क्या करते हैं हम ना, क्यू वाले एक साथ कर लेते हैं, ये क्यू वाले जो है ना एक साथ कर लेते हैं, तो ए हो जाएगा कॉस की क्यू थीटा प्लस के साइन की क्यू थीटा प्लस यहाँ से थ्री ए कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स, और जल्दी देखो साइन दोनों में कॉमन है और कॉस भी, इसमें और इसमें से हम लोग कॉमन ले रहे हैं थ्री ए साइन थीटा और कॉस थीटा, तो अंदर देखेंगे फ्रेंड्स कितना बच जाएगा, जब साइन थ्री ए कॉस थ्री ए कॉमन आ जाएगा तो बचेगा साइन, यहाँ बचेगा कॉस यानी कि साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप इसे क्यूब में लिख सकते हैं, तो ए कॉस क्यू ए की क्यू प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, उसमें मैं चलो एक बार यहाँ राइट कर देता हूँ, ए प्लस बी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर ए का स्क्वायर आता है, फिर बी का स्क्वायर आता है, फिर माइनस के ए बी, आप ये नोट कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको क्या काम करा, पहले ए प्लस बी लिख दिया मैंने, यानी कि साइन और कॉस को दोनों को ऐड करके लिख दिया फर्स्ट टाइम, फिर
फिर दोनों का स्क्वायर करना है मेरे को, यानी कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों को स्क्वायर कर लिख दूंगा। साइन कोस स्क्वायर हो गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर दोनों का मुझे प्रोडक्ट भी लिखना है, दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं, साइन थीटा और कोस थीटा मेरे पास हो जाएगा। ये फ्रेंड्स, ये मैंने इस टर्म को पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक खोल दिया। इसके बाद प्लस का 3a, प्लस 3a साइन थीटा है और कोस थीटा है, और ब्रैकेट्स में साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। फ्रेंड्स, ये ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट मेरी कॉमन है, और इसमें इसमें मेरे पास ए भी कॉमन है। तो फाइनली मैंने कितना कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा फ्रेंड्स मैंने कॉमन ले लिया है। इसके बाद मेरे यहाँ से ये सारा रिजल्ट बच चुका है, यानी कि मुझे मिल चुका है कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, साइन स्क्वायर मिलेगा। दिस रिजल्ट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा फ्रेंड्स मुझे मिल चुका है दिस। और बाद में मेरे को ये मिला है प्लस का, तो प्लस का 3 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। फ्रेंड, जनरली यहाँ पर देखना तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा मुझे मिल जाएगा। फ्रेंड, जनरली क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि यहाँ पर ए आ चुका है और कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, ब्रैकेट्स में आपके पास है यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही टर्म आपको आगे दे रखा है फ्रेंड, तो ये दोनों टर्म सेम सेम हो गए। इसका मतलब यहाँ पर मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यू। ये अल्फा प्लस बीटा फ्रेंड्स हमने फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फाइंड हो चुका है, तो हम ऐसा करते हैं अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3 फाइंड करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हमने इसकी पावर 2/3 ली, तो यहाँ पर हमारी जो पावर थी 3 और उसकी होल पावर जो हो जाएगी 2/3, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम जनरली से क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए की पावर 2/3 ब्रैकेट्स कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा और यहाँ पर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बच गया ना मेरा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली प्रोसेस हमें आगे भी करना है। इसी प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये रिजल्ट आपने माइनस में दिया, तो सेम केस बनेगा 2/3/2 ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा की पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नाउ अब जो मेन प्रोसेस होता है इसे करने का, वो होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो आपने निकाला है उसकी पावर 2/3 प्लस के अल्फा माइनस बीटा निकाला है उसकी पावर 2/3, उनको ऐड करना होता है। जनरली हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जनरली 2/3 का हमारा कॉमन हो जाएगा पावर्स में, रिजल्ट आएगा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा 2/3 ब्रैकेट, इसे ओपन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे आपके, आपका ये रिजल्ट बन गया 1, ये रिजल्ट भी आपका 1 बन गया। इसका मतलब ब्रैकेट्स के अंदर आपको 1+1 मिलने वाले हैं, ये रिजल्ट आपके 2 हो जाएंगे, यानी कि जो रिजल्ट आप लेके चले थे अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3 प्लस अल्फा माइनस बीटा की पावर 2/3, उसमें आपको मिला क्या, सबसे पहले तो एक बार 2/3 मिला और ब्रैकेट के अंदर आपको 2 मिल चुका है, ये तो आपने इसे 2 को आगे लिख दिया है। फ्रेंड्स, बस यही था आपका लोकस, इससे बस आपको लोकस लिखना है, इसलिए लोकस अल्फा प्लस बीटा, इसलिए लोकस अल्फा प्लस बीटा होगा, उसके लिए हम बात करें या दैट इज़ आप ये भी कह सकते हैं द एनवलोप। तो आपको यहाँ पर बस अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई लिखना है। फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो गया।